तलाई तलाई तला बाबू ये ये वाला साइड है नहीं जी और तलाई चोट नहीं लगी थी ना इसको? चोट नहीं लगी थी, सिर्फ लड़ाहट है बस। जी जी कैसे उठाए रखे ना? जी जी टेम्परेचर जैसे देखा जाए रेक्टल टेम्परेचर कितना है का टेम्परेचर देख लिया जाए कितना है इसमें, क्योंकि बी क्यू सस्पेक्ट हो रही है तो बी क्यू की बीमारी जो है हाईली फेटल डिजीज होती है जी। इसमें इम्फाइसीमेटस स्वेलिंग आती है पैर में और इसी को बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर डिजीज, ब्लैक लेग डिजीज, ठीक है जी। तो इसमें बुखार रहता है और इसका उपचार जब हम करते हैं तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अपन देते हैं, इसमें पेंसिलिन जो है डबल डोज में हम देते हैं और ये ब्लैक क्वार्टर जो है क्लास्ट्रिडियम चवाई नामक बैक्टीरिया से होता है और जो कि ये हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है और ये जो है एक से एक जानवर से दूसरे जानवर में बहुत ही इजीली जो है फैलता है। वैसे तो इसमें बकरी में बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन गाय और भेड़ में ये फ्रीक्वेंटली पाया जाता है, बकरी में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। तो इस वजह से तो अब इसमें हम जो है एंटीबायोटिक देखेंगे। फीवर इसमें एकदम ऑलरेडी है, अभी बढ़ ही रहा है, 105.2 हो गए हैं लेकिन अभी बढ़ रहा है। तो इसमें फीवर भी आता है और एक साइड का पैर रहेगा और इसमें स्वेलिंग जो आती है इम्फाइसीमेटस स्वेलिंग होती है। तो इस तरह से ये कन्फर्म है क्योंकि फीवर भी है और लेग में स्वेलिंग है और ये एक उठा रहा है इसको दर्द है, जबकि हिस्ट्री में ये पाया गया है कि इसमें कोई भी चोट नहीं लगी है। तो अब हम इसको जो है डबल डोज में पेंसिलिन का इंजेक्शन देंगे और फीवर है तो पैरासीटामॉल निमोसिनाइड का इंजेक्शन देंगे और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देंगे और क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं है तो इसलिए इसमें हम कार्टिकोस्टेरॉइड डेक्सामेथासोन भी देंगे और जो है एक नरवाइन टॉनिक क्योंकि पैर से लैमनेस है तो उसमें हम ट्राइवीवेट इंजेक्शन देंगे। इतना करेंगे 3 से 5 दिन हम इसको चलाएंगे और ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही होता है उसके 12 घंटे के अंदर तुरंत इलाज कराना चाहिए, नहीं तो ये देर हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये फेटल डिजीज होती है, काफ़ी हाईली फेटल होती है, अगर हम ट्रीटमेंट में लेट कर देते हैं तो ये जानवर हमको नहीं मिलता है और ख़त्म होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। अब इसका जैसे टेम्परेचर है देखिए 105.4 है, तो ये टेम्परेचर जबकि इसका नॉर्मल 102 से 103 होता है, तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है 105.4 फारेनहाइट है। तो फीवर भी है, लैमनेस भी है और स्वेलिंग भी है। और ये कब से ये लैमनेस आया हुआ है? अभी अभी सुबह से 8 बजे से आया, मतलब अभी 5-6 घंटे हुए हैं इसको। तो अब हम इसका इलाज शुरू करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि पेंसिलिन से इसका इलाज जो है, इसमें एंटीबायोटिक काफ़ी कारगर है स्ट्रेप्टोपेंसिलिन, तो हम उससे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छे से पकड़ लेना, अच्छे से पकड़ना बाबू। पांच कर लेना।
आ रहा है ना।